दुआए ज़हूर इमाम ज़माना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या फारिकल बहूर कमा फरकतल बहरा ले मूसा अलैहिस्सलाम वयमलियन अल हदीद ले दाऊद अलैहिस्सलाम वैया मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कुलूबना अला दीनिक बेहक्के दमिल मज़लूम اللهم فعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعة وفي كل ساعة वलियम व हाफिज़म व कायदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्के नहु अर्ज़ा का तौ व अन व तुमते अहुफी हाथ वीला या रब मोहम्मद व आल मोहम्मद सल्ले अला मोहम्मद व आल मोहम्मद व अज्जल फरजा आल मोहम्मद मेरे करीम अल्लाह वस्त मुहम्मद वाले मुहम्मद इज्जत उजमदा जेड़े हथ तेरी बारगाह दे विच बोलांदे ने इन्ना हथां नूं ज़रिए हुसैन नाल मस फरमा मेरे करीम अल्लाह इन्ना तमाम मोमिनीन दी आमीन अपनी बारगाह विच कबूल ते मंजूर फरमा मेरा रहमान अल्लाह इन तमाम मोमिनीन दे घरां विच अपनी खास रहमत दे नज़ूल फरमा मेरी मामा भेण धीआं नूं सीरत सैयदा ते चलन दी तफीकात अता फरमा मेरा रहमान अल्लाह मेरा रहीम अल्लाह अज़ादारी आले मुहम्मद नूं समझण दी अमल करन दी तफीकात अता फरमा साढ़े बारहवें आका दा जल्द ज़हूर फरमा सड़ी अखी वो मंजर विखा जो इस पूरी कायनात कुरान दी शाही होवे ज़हरा दे लाल दी बादशाही मरिए हुसैन हुसैन कर दे उठी भी अली अली कर दे दामन पंजा ते बारां दा हथ संग निगारां दा होवे मेरा बेनियाज अल्लाह बानी मजलिस दी इज्जत रिजक बख्त च अजाफा फरमा मैं हकीर दी पढ़ाई मोमिनीन दा टोराया अपनी बारगाह विच कबूल ते मंजूर फरमा बेरहमत कैया अरहमर रहीमीन सारे मिलके अपने अपने मरहूमीन दी बख्शिश वास्ते बाबा दे बुलंतर सलवात दरूद पाक दा पढ़ना अजीम इबादत है अपनी इज्जत रिजक वास्ते सलवात मौला तमाम मोहिब्बा ने हुसैन दी इस्तां महफूज रखे मोहिब्बा ने हुसैन वालियाने हैदर करार इस न्याज बेग दे अंदर और इस इमाम बारगाह दे विच तां मैं पहली दफ़ा आया ते मजरक भाई सत रबी उल अव्वल नूं इंशाअल्लाह इंदा साल भी तो पिछे मैं पढ़ गया बजुर्ग भाई नियामत उरां कोल दुआ तुसां जानदे हो मेरे बजुर्ग बावे मकबूल हुसैन ढक्कू साहब जी उन्हें सारी जिंदगी न्याज बेग ढेर नौकरियां दित्तियां मैं इत्थे कोई अपना जाकरी दावा लेके नहीं आया जितने मेरे बजुर्ग भाई तशरीफ फरमाओ फकत तुहांको अपना सबक सुनावण वास्ते थोड़ा जिहा भिरा समझ के जेडे बजुर्ग को पुत्र समझ के हौसला फजाई कर सो तो मैं जिक्र आले मोहम्मद शुरू पे करना सारे मिल के अपनी इज्जत रिजक वास्ते सलवाद पढ़ो तो मैं नौकरी शुरू कर देना أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
सलवा الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أبي القاسم محمد المصطفى الصلاة والسلام على سيدة الجليلة المقربة الأليلة ذات الأوزان الطويلة في المدة القليلة إن بزرگان بہا دیو السلام والسلام على الحسن المسموم وعلى حسين المظلوم اس نگری دے واسیو میں نا چایا اے حسین مظلوم بھائی جان زندگیاں گزردیاں ویندیاں ایو اعلان سندیاں مظلوم مظلوم حسین مظلوم کوئی بندہ مجھ سے سوال کرے علی وارث مظلوم تا دنیا تھے بڑے بڑے گزرے بابا جی مظلوم گزرے مظلوم ہن بھی سہی مظلوم راسل بھی سہی مولا دے ماتمی عزادار خلوص علی بیٹھے ہوں اے جتنے مظلوم گزرے انہا مظلومہ دی مظلومی تے بھینہ رنیاں بابا جی ماما رنیان چاچیاں رنیان ماسیاں رنیان حسین او مظلوم ای جن دی مظلومی تے آسمان رنائے میں بسم اللہ کراں او میرا مولا تواڈے آنسو قبول فرماوے میں کدی کسے بندے دی ملت نہیں کیتی میں ادھر ویکھو یارو جیڑا خلوص نال گھروں آندا ہے او مظلوم نو رومن واسطے آندا ہے سوال کرو علی وارث آسمان کی میرنہ بابا جی دیوں چڑے تجربہ کر لوے آئے جیڑے لے دیوں لہان تھے آوے پانچ دا منٹ ران دیوں میں نہ آزان مغرب این دے مغرب آلے پاسے آسمان تے ایک لال سرخیوں دی لال رتائنوں دیئے پچھے آئے سینس دانا علماء تو اے دامی دی دیگر تو پہلے کوئی نہیں بابا جی لال رتائن اصل بڑیئے جدہ بھجدے گھوڑے تو زہراد پتر موندے بال جڑیا میں بسم اللہ کرنا میرا مولا تو اڑے آنسوں قبول فرماوے حسین و مظلوم جنو جن رنین جنو حور رنین میں آدھا کائنات رنین تپی روے بابا جی حسین و مظلوم جند پتر چالیس سال رات رنین شیعہ قوم دے بارہ امام انہ بارہ امام دے وچوں پانی تا سارے مولا رنین ساڑھے دو امام جڑے رات رنلین ایک توڑا میرا چوچھا امام آئی جڑا باندھا اٹھین دا دائے میرا اللہ میرے بابے دا جرم تا کوئی نائی دوہ توڑا میرا باروہ امام جڑا آج بھی پردائے گئے بد چرات بیٹھا روندائے رو رو کیا دائے میرا اللہ میرا سلام اس دادے تھے جنی دی قتل گو ہاتھ جڑے دی گئی ہے
मैं बिस्मिल्लाह करा, मेरा मौला तुहाड़े आंसू कबूल फरमावे। बाबा जी मेरी दिली दुआ है मौला तुहानू करबला विखाए, चार पांच दिहाड़े हो गए मैं ओ जा वेखाया, जिथे करबला दा गरीब झड़िया मैं ओ जाए वेखाया, जिथे करबला दा गरीब कुठा है, जेड़े ज़ियारत कर रहे हो तईद कर आए, लहण आली जा हो रे, कोही वणाली जा हो रे, दफन आली हो रे। बाबा जी जिथे करबला दा गरीब कुठा है, अद्धा मील अरकां दे भार मेरे मौला झिकियां जाई बुलेंदे आए, क्यों जो मैनू भैन मरींदा ना वेखे। वाह भाई वाह, मेरे मौला तुहाडी इज्जत महफूज रखे। बाबा जी जेड़े ले भैन नू पता लग गए, मेरा भिरा जीन तो जमीन ते आ गया, और मेरे मौला दे मातमिया ओ भैन तो खेमा छुट गया है, जेड़े मुकानी अजादार बैठे ओ भैन उठे आन खलिए, जिस मुकाम दा ना है तिल्लाए ज़हन भी आओ, मैं मर वियां ते लफ्ज ना पढ़ा, फिरा लभदा है जो मैनू भैन मरींदा ना वेखे। आखिर करबला दा गरीब आदा है जमीन झिकी ओ वांझ। मैं बिस्मिल्लाह करा, ओ मौला तुहाडी इज्जत महफूज रखे। के हो गया मेरा सोना इसनू, या मेरा मौला, ओ मौला दे मातमी अजादारो, ओ मैं करबला दे गरीब दी गुरबत पे पढ़ना। मैं बिस्मिल्लाह करा, मेरा मालक मेरी मदद फरमा, मैं इना तई एक वैन पुचावा जो करबला दा गरीब लथ किवें आई, करबला दा गरीब कुठा किवें आई, बहन बिरा नू मरींदा डिठा किवें आई। मौला दे मातमी अजादार बैठे हो, कोई बात नहीं, जे स्पीकर नहीं चलता एक ओ भी दौर आई, जेड़े ले स्पीकर तो बगैर गुरबत दी गरीब दी गुरबत दा ऐलान होंदा, हर कोई आए हुसैन करके रोंदा रहे। बाबा जी मेरे आका हुसैन ढा मार के आदन जमीन झिकियो, मैनू भैन मरींदा ना वेखे, मैं मर वियां ते लफ्ज न पढ़ा, मेरे आका हुक्म दिता है जमीन झुकदी गई है, इतो जमीन झुकी है उतो मेरी सैन दे लबा समान दिठा है। आदि ओ मेरा अल्लाह जे ओ अबू तुराब द पुत्रे, मैं अबू तुराब दी धीआं, मैं हुक्म दे लिया जमीन उचियो, मैं फिरा दा सजदा वेखा, असले आवाज कुदरत आई ये जमीन उचियो, जिमें श्याम दी कैद ना दी आई जी। और मेरा मौला तुहाड़ी इबादत कबूल फरमावे। बाबा जी इदो जमीन उची होई है, भैन भिरा नू मरींदा वेदी रही है, बहन वेदी रही है, सदा कदमा ते धी आ गई है, इत्थे मैं दुआ मंगवाईंदा रहना, दुआ मंगी करो शाला, कई प्यू दे चार पंज पुत्र होवण, एक धी जरूर होवे। ए ता जान दियो मां प्यो मर वेंदे, पुत्रां नू जायदा थंदियां पै वेंदियां, इको दर्द मारी धी आउंदी है, जेड़ी कदी प्यो दी पवांदियों वा बांदी है, कदी सरां दियों बांदी है, ते दाड़ी चुम के आदी है, वे बाबा मेरा पेखा मान मुक गया है। सैदा उंदियों मजलूम दा जाकर मिलत करे ना, ये अल्लाह धी देवी ते उस धी नू बुरखियां विच पाले, जेड़े ले धी जवानी चढ़ पवी, उस धी दा पासपोर्ट जा बनावे, उत्ते शाम दा वीजा चलवावे, धी नू ना लैके उस बाजार जावी जेंदा ना है बाजार हमीदिया, उसे बाजार जाकी बेटा थोड़ी जी देर चादर लहा। बाबा जी जड़ी धी कदी ना तेरे अगू बोली उसी, आप सी बाबा मैनू मार ते भावे कतल चकर, मैं इस बाजार चादर नहीं लहावनी, इत्थे रश डेरे, उसले धी दा सर चुमी दिया की ओ बाजार आई, पांच लख बदमाशा सैनब दा सर नंगा, हर कोई आदा
सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम अल फातिमा तो बजात मिन्नी अजमत जनाब सैयदा सलवात मेरा मौला तमाम मुमिनीन दिया सो कबूल फरमाए। मेरी दिली दुआ है मौला तुहानु दुनिया दी परेशानियों तो महफूज रखे। मुहिबा ने हुसैन मुआलिया ने हैदर करार एक इबादत का हिस्सा हो गया। दुआ मैं इबादत का हिस्सा शुरू पे करेना जो क्यों ए दरसे आले मोहम्मद है। बंदा दरसे आले मोहम्मद के उठी वे ओदी जिंदगी तब्दील ना हो ना मेरे पढ़न का फायदा ना तुहाड़ी सुनन का क्यों जो इनाम दे आकाम ते अमल करन दा ना शीयत है। छड़ा जबान नाल शीया न बनो किरदार नाल शीया बन के भी जितों आले मुहम्मद रोकिया है उतों रुकना साडा हक बनता है। जो आले मुहम्मद सानू हुक्म दिता है उसनू कबूल करना साडा हक बनता है। पांच बारह चौदह नाल मुहब्बत रखने वाली शीया कौम मैं तुहाडे सामने आका सुल्तान उल अंबिया उस नबी का फरमान पेश किया जिंदे सर ते कायनात दे मालिक गल्ला सवा लख नबी की सरदारी का ताज रखे। जिहड़ा बंदा फरमान सुन के बेरुखी करे बेकदरी करे उस मेरी बेकदरी नहीं करनी। उस मेरे आका दे फरमान की बेकदरी करनी है। तो जिहड़ा इनाम का फरमान सुन के जबान नाल या दिल नाल खुश होंदे तवज्जो लिया जे हुसैन जिहड़ा इनाम का फरमान सुन के जबान नाल या दिल नाल खुश होंदा है अल्लाह हुक्म देंदे रहमत दे फरिश्ते नूं वज मेरा फरिश्ता जिन्हां बंदियां मेरे नबी का फरमान सुन के खुश होए मैं अल्लाह तुहानू आर्डर ता हुक्म पे देना इन्हां सारिया बंदियां दे गुनाह मिटा दियो उत्थे मैं अल्लाह दी तौहीद दी मोहर ला दियो जो इन्हां दा मैं जामिन ना ए माविए नाल नहीं ए अली नाल। मौला तुहाडी इज्जत महफूज रखे। अच्छा अल्लाह पाक तुहाडी जिंदगी करे क्या मेरी पढ़ाई पसंद नहीं पे आंदी या मैं सजान के आहिस्ता आहिस्ता बोल दिते जो मैं बड़े आराम नाल ते समझा के पढ़न दा आदी हाँ। मेरे भाई और मेरे मुर्शद का ना चाहे कुछ बंदे नाल रलन ते कुछ नहीं रले। मैं हर मजलिस चाहता रहना वह बंदा अपने पीर का ना शर्मा के चाहे जिंदे पीर का ना चंगा ना हो जी दोवें हाथ बुलंद करके हैदरी इस अली अली करन दा दिहाड़े माशर दे पता लग सी जेडे अपने आप नीया के लोद अली दे शिया अली दे हुबदार हाँ। अली अली करन नाल इज्जत मिलती अली अली करन नाल बख्त मिलता अली अली करन नाल रिजक मिलता है। मिम्बर आले मुहम्मद की कसम तेरा तो वह पीर है जैसा एक बारी ना चाहे तो अल्लाह खत्मे कुरान का सवाब देना खत्मे कुरान का सवाब जितनी तेरी ताकत है जितनी तेरी आवाज़ बुलंद हो सकती है बाजार गली चौक दे विच उच्ची आवाज़ नाल अली 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 दी सदा बुलंद की कर क्यों जो इस अली अली दा दिहाड़े मशर दे पता लग सी। कोई बंदा बोले तो भावे ना बोले अली अली करन दा दिहाड़े मशर दे पता लग सी। अनपढ़ ते जाहिल जाकरी मैं कदी नहीं की थी। मैं अठ दस साल जामतुल मुंतजर दा पढ़े होया मेरे आका मेरे उस्ताद मोहतरम किबला गुलाम हुसैन नजफी साहब बहुत बड़े मनाजर हैं उधर से इखलाक फरमाते होंगे जो इस नारे की इज्जत कदर कीमत दिहाड़े माशर दे पता लग सी तवज्जो की बैठे हो या कोई ना दिहाड़े माशर दे पता लग सी जदा मुहिब्बे अली नू पांच बारह चौदह नाल मुहब्बत रखने वाले नू फरिश्ते जन्नत के दरवाजे ते लाया सन ना
ते आवाज है कुदरत आवनी है फरिश्तियों रुको अली दे हुबदार नाल अली दे मलंग नाल एक गल करन दियो तवज्जो लिहाज हुसैन फरिश्ते रुक वे सन आवाज है कुदरत आवनी है अली दा हुबदार अली दा मलंग दस जन्नत दे विच कितना वड्डा महल देवां मेरा अल्लाह तू रहमान है तू रहीम है तू करीम है अपनी मर्जी कर आवाज है कुदरत आवनी है जे मेरी मर्जी नाल जन्नत च वजना चाहना है इस दरवाजे ते खलो के अपने पीर दा नारा सुना जिथो तई आवाज वैसी जगीर तेरी हो मौला तुहाडी इज्जत महफूज रखे सारे मिल के हैदरी मौला तुहाडी इज्जत महफूज रखे जिन्हां बंदियां हाथ नहीं खले कीते उन्हां दी अपनी मर्जी मगर मैं कुर्बान मिलां मेरे छेवें आका दा फरमान है जदा मेरे दादे अली दा नां सुन के कोई बंदा हाथ बुलंद करेंदा है कायनात दा मालिक अल्लाह हुक्म देंदा है रिज़क आले फरिश्ते नूं तवज्जो लिहाज हुसैन अपनी ज़ाकरी वास्ते नहीं तेरी इज्जत दे वास्ते कायनात दा खालिक अल्लाह हुक्म देंदा है रिज़क आले फरिश्ते नूं वंज मेरा फरिश्ता जिन्हां बंदियां मेरे वली दा नां सुन के हथ चाहन इन्हां हथां दे विच इतना रिज़क लिख दे जो क्यामत तई कई कमीने दे मोहताज ना हो अल्लाह पाक तुहाडी इज्जत महफूज रखे हुण इजाजत है मैं पाक सुल्तान उल अंबिया दा फरमान तो सुन बहुत बड़ा दरस ने आज दी मजलिस पाक जनाब सैयदा नाल मनसूब है मेरिया मावां भेणा धीआं जिहड़ियां अपने आप नूं जनाब सैयदा दियां कनीज़ां सदवाईंदियां हो मेरी मिन्नत है छड़ा जबान नाल कनीज न बनो किरदार नाल कनीज बन के बिठाए बाजार टुरो आम बंद वेखने वाले महसूस हो वे जो असल जनाब सैयदा दी कनीज भी वेंदी तुसा अपने घर दे विच भी होवो तुहाडा सक्का बिरा तुहाडा सिर तो परदा लथ होया ना वेखे अपने आप नूं जनाब सैयदा दियां कनीजां सदवाउण वालियां तुहाडा हक बणदा है तुहाडी जिंदगी दी नमाज कदा ना हो नमाज ना सुन के कुछ बंदे घबरा गए हो बाबा मैं इतने केड़ी कोई जमात खली करन आया एक जहनी मुगालता मैं तो दसा बाज बंदे अपने आप नू नमाजी समझते हो त्याद असं बड़े बड़े नमाजी हाँ साडे तो वड्डा मुत्तकी परहेजगार कोई नहीं असं मनते हाँ नमाज रोज़ अफजल इबादत है दिहाड़े माशर दे जिस बंदे दी नमाज कबूल नहीं उहदा कोई अमल ही कबूल नहीं ते जेड़ा बंदा सिर्फ नमाज रोजे नूं इबादत समझे ते आख मैं बड़ा वड्डा शिया तेरे मेरे अव्वल इमाम फरमाते हैं शिया होना तो बड़ी दूर की बात है तू वजन तई इंसान ही नहीं बने छड़ी नमाज रोजा इबादत नहीं इंसान की जिंदगी का हर लम्हा हर मिनट हर सेकेंड इबादत में शुमार हो सकता है भाईजान साडा बहाना इबादत में शुमार साडा उठीवना इबादत में शुमार मावां दा बच्चियां नूं रोटियां पका के देवना इबादत में शुमार ओ हजरत इंसान औलाद आदम तेरी जिंदगी दा हर सांस इबादत में शुमार हो सकता है अगर तेरी सारी जिंदगी गुजरे मुहम्मद वाले मुहम्मद दे दस्से होए दीन दे मुताबिक न बोले इन्हां गल्लां ते मत फरिश्ता लिख लवे आले मुहम्मद दे हुक्म दे मुताबिक जिंदगी बसर करे सो तो वह बंदा अपने आप नूं शिया कहलवा सकदा छड़ा जबान नाल शिया न बनो किरदार नाल शिया बन के विखाओ जिथो मासूम रोके उतो रुकना साडा हक बनता है नाराज तो ना बैठे बाबा बंदे अजकल लगे हुए हैं तस्कियां ते दादा ढेर होवन वाह वाह ढेर होवे ते ओ मजलिस आदन ते जेड़ा न्याज कोई लख तो थले न लवे ओ जाकिर होंदा है जेड़ा न्याज न मुकावे ओ जाकिर नहीं होंदा मगर एक पैगाम सुन लो एडे भरे हुए मजमे दे विच बाबा जी भरे हुए मजमे दे विच पूरी दुनिया ते पैगाम जा रहा है अपनी तरफों नहीं मैं हुण ज़ियारत कर आया करबला दे विचों करबला दी नगरी दे विच मौला अमीर उल मोमिनीन दे हरम दे विच
मैं कुर्बान वजा भाई जान उस हरम दे विच एक अलामा साहब ने जनाब सैयदा की शहादत पढ़ी। उन्हां दी जबान अरबी आई, बड़ा कोहराम हाया दियां आवाज़ां, मजलिस मुक्की है। तो मेरे एक दोस्त है ना अलामा बिलाल मादी साहब, मैं उन्हां दी मिन्नत की जो मैंने इन्हां दी ज़ियारत भी कराओ, मैं इन्हां नूं मिलना चाहना करीब तो। उन्हें आखिया ना ये नहीं मिलते। बड़ी मुश्किल नाल मुलाकात हुई, उन्हें तारफ करवाया जो ये साढ़े पाकिस्तान का जाकिर है। ये हो गया यार स्पीकर नूं भाई, दिल तो मेरा तो पैगाम सुनावा मगर स्पीकर अल्लाह जाने क्यों ये बंद चकरदा है। मौला तुहाडी इज्जत महफूज रखे। जेडे ले मैं करीब गया तो उन्होंने दसिया बिलाल मादी साहब पाकिस्तान के बहुत अच्छे जाकिर हैं और बड़े अच्छी जाकरी करें दिन। वो इन्हें वेख के मैंने आ दिन पाकिस्तान के बीच तो मैं सुनता रहना जाकर मुक मुका कर दिन। मौला करीमे करबला का जिक्र करन तो पहले लख डेढ़ तो हेठों न्याज नहीं मंगते। मैं हाथ जोड़े मैं आख्या जी आ कर दे तेंदे हैं मैं मगर कोशिश करे ना। मैनू आ दिन अली वारिस कोशिश नहीं, मैं तेनों जनाब सैयदा का फरमान च सुनावा, बेशक बानी नाराज़ हो बंजो। मैनू कोई लोड़ नहीं चौखियां नाम वरियां दी, जिक्र आले मुहम्मद दे विचों मैनू कायनात दा खालक बड़ा दे रहा। ओला मैनू फरमान सुनाया, किताब खोल के उन्हें आखिया पाक बीबी जनाब सैयदा पे फरमाइंदी है कि जेड़ा बंदा मेरे पुत्र हुसैन दे खून दी कीमत लावे मैं जहरा उहदे ते लानत करे। हूँ मैं दसो जा जितने बैठे हो मौला दे अज़ादार जिन्हें उत्ते जनाब सैयदा लानत करे वो मिम्बर ते आवण दा अहल है। मैंने वेख के ना ते आ दिन तुहाडी वालदा जिंदा है, मैं क्या नहीं किबला मेरी वालदा इस दुनिया तो रुखसत हो गई। तुसा उन्होंने साले सवाब की मजलिस भी करवाई हो सी, मैं क्या जी ये बिल्कुल करवाइए। जिस आलम दीन पढ़िया है उन्हें को कोई न्याज, मैं कह जी मैं देंदा रहा उन्हें नहीं लई, रोमन लग पे। आदन अली वारिस तू मैं आप दसा जो जनाब सैयदा दे जिक्र नू अपनी वालदा जितनी भी अहमियत ना दे दे। आले मुहम्मद नाल मुहब्बत रखने वाली शिया कौम खुदा रा इन्ना ताजरा तो बच बन जाओ, दुनियादारी खत्म कर दियो। आले मुहम्मद नाल मुहब्बत रखने वाली शिया कौम मिंबर हुसैन दी कसम, मौला करीम करबला दे आखरी सजदे दी कसम, तू घर बह के हिकला मजलूमे करबला दे नां दी फूड़ी चा विछा, आले मुहम्मद उत्थे आके बांधे। अकीदा है या कोई ना साडा जिथे आले मुहम्मद आके बांधे उत्थे सानू खुश होना चाहिए। दुनियादारी वास्ते नहीं, अपनी नामवरियां वास्ते काम न करो, ना जाकिर नामवरी वास्ते। अजकल तो तौबा दो नंबरियां ते अगे बहावण वाले बड़े बंदे मिले न। अली वारिस तेनू 20-22 साल हो गए न पढ़दियाँ कोई बंदे, मैं कह तौबा इंशाल्लाह मैं उसले मर वञा तो ये काम मैं न करा। आले मुहम्मद नाल मुहब्बत रखने वाली शिया कौम जिथों मासूम रोकिया है उतों रुकना साडा हक बनता है। जो कुछ मासूम हुक्म दिता है तेरे मेरे आका पे फरमेंदन, अगर साढ़े नाल मुहब्बत रखदा है ते तेरी जिंदगी दी नमाज कदा ना हो, अगर साढ़े नाल मुहब्बत रखदा है ते बच्चियां नूं रिज़्क़े हलाल खवावे हराम ना खवावे, अगर साढ़े नाल मुहब्बत रखदा है ते अपने घर दे विच बच्चियां नूं नमाजी बनावे। बच्चियां नूं जनाब सैयदा दी सीरत अमल करन दी दरस दिता करो। आले मुहम्मद नाल मुहब्बत रखने वाली शिया कौम जिस बीबी दे मुतलक सुल्तानुल अंबिया पे फरमाइंदे न अल फातिमा तो बजा तो मिन्नी फातिमा मैं मुहम्मद दा हिस्सा है, तवज्जो कीती बैठे सरकार पे फरमाइंदे न फातिमा मैं मुहम्मद दा हिस्सा है, मैं नबियां ते जहरा नबूवत दा हिस्सा, मैं वलियां ते जहरा वलायत दा हिस्सा, मैं मासूम ते जहरा इस्मत दा हिस्सा, मैं कुर्बान वंजा सुल्तान उलंबिया पे फरमाइंदे न मैं मुहम्मद मिंबर दा वारिस ते जहरा मिंबर दा हिस्सा।
एडी इज्जत एडी शान पाक सुल्तानुल अंबिया नसीए और दोवें हाथ बुलंद करके हैदरी मौला तुहाडी इज्जत महफूज रखे। और जी इससे पाक मुर्शिदादी दे मुतलक जेड़ा कुछ सुल्तानुल अंबिया फरमाया है बहुत बड़ा फरमान बहुत बड़ा दरस राणा साहब मैं कुर्बान वजा पाक सुल्तानुल अंबिया एक तड़े अपनी धी दे घर दे विच दाखिल होए जेड़ा बंदा चाहता ना जो मेरी सारी रात इबादत च गुजरे मैं सुता होया वहां ते अल्लाह मैनू एक मकबूला हज जितना सवाब देवे ओ ये फरमान सुन लो। हर बंदे तुहानू ये फरमान नहीं सुनावना हर बंदा जाकर साड़ी भी आदत बन गई है कोशिश हो वाह वाह ज्यादा हो ढेर दादा हो अगों दावत मिल दियां दावत तो वो मिल रही है जी आले मुहम्मद की तरफ नसीब हो। पाक सुल्तान उलंबिया अपनी बेटी के घर में दाखिल हो शाम का वक्त आई जनाब सईदा अपने सवन वास्ते बिस्तर तैयार कर रही हैं। पाक सुल्तान उलंबिया वेदन तो फरमेंदन बेटा जहरा जी बाबा बेटा के बैठे कर दे बाबा मैं सम्मन का इंतजाम पे करनी हाँ मैं कुर्बान वजा सुल्तान उलंबिया फरमेंदन बेटा जहरा सम्मन तो पहले चार काम मुकम्मल किया करो चार काम। हर बंदा इन्हों का फरमान सुन के खुश नहीं आता हर बंदा इन्हों के फरमान से दाद नहीं देता इन्हों का फरमान सुन के उस बंदे खुश होना जैसी माँ ना दे अली पढ़ के दुध पिवाया। बाबा वो चार काम केड़े ने जेड़े मैं करा बेटा सम्मन तो पहले सवा लख नबी जितनी इबादत करके सुता करो। बाबा सवा लख नबी जितनी इबादत जी है बेटा। बाबा दुआ केड़ा काम करा बेटा सम्मन तो पहले एक कुरान मुकम्मल करके सुता करो। ये बहुत बड़ा दरसी ने आले मुहम्मद नाल मोहब्बत रखने वाली शिया कौम जी ठीक बाबा। त्रिया मेरा बेटा सम्मन तो पहले एक मकबूला हज करके सुता करो जी ठीक बाबा। चौथा पाक सुल्तान उलंबिया फरमेंदन बेटा सम्मन तो पहले मैं मोहम्मद की उम्मत की बख्शिश करवा के सुता करो। न बोलिया इन्ह गलों से मत फरिश्ता लिख लवे। अच्छा बाबा ये जेडे चार काम तुसी दसे मैं चार काम ये चार काम एक टाइम दे विच मैं किवें कर सकती हाँ तवज्जो तो की बैठे हो ना सारे। बाबा ये चार काम हिक्के वक्त दे विच मैं किवें कर सकती हाँ सुल्तान उलंबिया फरमेंदन बेटा मुश्किल तो कोई नहीं सम्मन तो पहले त्रै दफा मैं मुहम्मद से दरूद पढ़ के सुता कर अल्लाह तेनू सवा लख नबी दी इबादत जितना सवाब। अल्लाह पाक तुहाडी इज्जत महफूज रखे। मैं खुश नसीब हाँ और बड़ा अच्छा मजमा जेड़ा इन्हां गल्लां ते बुलेंदे हो बेटा सम्मन तो पहले त्राए दफा मैं मुहम्मद से दरूद पढ़ के सुता कर अल्लाह तैनू सवा लख नबी दी इबादत जितना सवाब देसी ठीक है। बाबा दुआ मेरा बेटा सम्मन तो पहले त्राए दफा सूरह तौहीद पढ़ के सुता कर अल्लाह तैनू एक खत्मे कुरान दा सवाब देसी। ए तेरे मेरे समझावण दी खातर मैं कुर्बान वंजा। बाबा ते हज में किवें करा मैं कुर्बान वंजा मेरे आका सुल्तान उलंबिया फरमाइंदे ने बेटा समन तो पहले त्रै दफा तस्बीह अरबा मुकम्मल करके सुता कर अल्लाह तेनू मकबूला हज दा सवाब दे सी मकबूला हज दा सवाब जी। बाबा ठीक है ते बाबा तुहाडी उम्मत दी बख्शिश पाक सुल्तान उलंबिया फरमाइंदे ने बेटा जहरा तू छड़ा इरादा च करें छड़ा इरादा ते त्राए दफा अस्तगफार करके सुता कर कायनात दा मालिक अल्लाह मेरी सारी उम्मत नू बख्शी छोड़े से एक जी बिस्मिल्लाह मालिक मालिक नाल दी जिंदगी करे
मेरी दिली दुआ है जो मालिक तुहाड़ी लंबी उम्र करे जिक्र आले मोहम्मद दा सदका। बाबा जी ये फरमान है पाक सुल्तान उल अंबिया धी नू समझा रहे, उन्हां नू इन चीज़ां की जरूरत नहीं, ये तेरे मेरे समझावण की खातर पाक सुल्तान उल अंबिया फरमेंदन बेटा अगर तू ये अमल करे से तेरे बाद अगर मेरी उम्मत का कोई बंदा ही अमल करे अल्लाह समण तो पहले उसको खत्मे कुरान का सवाब भी देसी मकबूला हज का ही सवाब देसी। आले मोहम्मद आले मोहम्मद नाल मोहब्बत रखने वाली शिया कौम इन्हां दे फरमान ते अमल करना साडा हक बनता है। घर बह के गवेड़ करें जो इस दीन दे उत्ते तेरे पीर का खर्चा कितना होया। अज सारा दियों मजलूम दे गम च जनाब सईदा दे दुखां नूं याद करके रोंदे रहे हो। मेरी अपील है बानियान दे अगू वी जिस बंदे अखीर ते पढ़ना होवे ना अखीर ते उसनूं लिख दे विया है जो जनाब सईदा दे जनाजे दा ऐलान करिया है जी। पाक बीबी ने फरमाया या अली मेरे जनाजे का ऐलान न करिया है, या अली मेरा जनाजा रात नु चव्या है। मैं बिस्मिल्लाह करा मेरा मौला तुहाडे जो कबूल आंसू कबूल फरमावे। भाई जान क्यों एक रेंदे हो इंज, मौला तुहाडी इज्जत महफूज रखे। आले मोहम्मद नाल मोहब्बत रखण वाली शिया कौम ये तो सारे जानते हो ना, जिस घर दे विच कोई मर्द मरे जवान बुरड़ा कोई मस्तूर करीब मसाजिद दे विच ऐलान होंदा है फलां दा पुत्र मारिया गया है फलां दी धी मारी गई है उन्हां दी रहिशगाह तो जनाजा तैयार है। एक ऐलान मैं हुण पिया करदा, दूआ ऐलान अखीर ते करिया है। सुन्नीए ते भावें शिया जिस बीबी का जनाजा उठी होना है ना वो आम बीबी नहीं, उस नबी दी धी आई जिंदा तू कलमा पढ़ना है। मैं ऐलान पे करना हजरात एक जरूरी ऐलान सुन लो, मुहम्मद दी धी दा जनाजा तैयार है। मैं बिस्मिल्लाह करा मैं कुर्बान बल्या उस बीबी का जनाजा बिल्कुल तैयार है जैसे बाबे दे वंजन दे बाद मुसलमाना पाक सईदा दे दरवाजे नू आग ला छोड़ी। मैं बिस्मिल्लाह करा अखीर ते जेड़ा जाकिर पढ़ सी ओ पे पढ़ सी मगर दुआ मंगी करो कि मेरा अल्लाह इस रूह जमीन ते इंज किसी की औलाद न रुले जिमें अली बादशाह की औलाद रुल गई है। बाबा जी दुई दुआ मंगो जे अगर तकदीर रुलना लिखे होया है कहिंदे पुत्र रुल वंजन धी किसे दी न रुलिया, पुत्र अंदर रुलिया बर्दाश्त हो वेंदा है धी अंदर रुलिया बर्दाश्त नहीं होंदा। और नियाज बेग दे वासियों इस बाजार गली दे चौक दे विच बाबा जी कोई गैर बंदा किसी के पुत्र के मुँह ते हिक तमाचा मारे चार शरीफ तुर के आवजन तो सुलह हो वेंदी है। इस बाजार दे चौक दे विच कोई बेगैरत किसी की धी दे मुँह ते तमाचा मारे भावें सारा जमाना तुर के आवजे सुलह नहीं आती, इतराज होंदे शिया रोंदे शिया मातम करेंदे असा किवें ना रोवीए, असा तो कबर च ही रोवना है असा तो माशर च ही रोवना है। कोई सवाल तो करो शिया रोंदे क्यों वो, इस वास्ते रोंदे हैं जो करबला तो लैके कूफा कूफा तो लैके शाम तई जिथे शिमर दा दिल करेंदा ना तेरे मेरे मुर्शिद हुसैन दी चौं साल धी दियाँ जुल्फां ते नपदा ते तमाचा मार के आखिया साधों नूं जेंदे बादुआं ते नाल कर दिया। मैं बिस्मिल्लाह करां और मेरे मौला दे मातमी आओ शर्म करके नहीं रोवना, जिंदगी दा पता कोई ना बानी ये मजलिस ने बड़े खलूस नाल फोड़ी बिछाई है मगर ये बानी नहीं असल इस मजलिस दी इस फोड़ी दी वारिस खुद जनाब सजदा है। कूफे दी वस्ती एक मस्तूर जिड़ी हर साल अपने घर विच मजलूमे करबला दी सफे अजाब छेंदी आई हाय हुसैन करके रोंदी आई। बाबा जी उस बीबी एक साल ऐलान कीता कूफे आलियो
इस साल मेरे घर में हुसैन की फूड़ी नहीं बिछनी। उस बीबी ऐलान चा किया, चंद दिहाड़ियां दे बाद मुहर्रम दा चंद चढ़ पिया। जनाबे सईदा दे दुखन रोवण वाली शिया कौम, साढ़े वास्ते तो यह चंद मुहर्रम दा चढ़ गया। चंद मुहर्रम दा चढ़िया, इस बीबी दे दरवाजे ते दकुल बाप कोई ज़ईफ मस्तूर आई, दीवारों के सहारे ते दरवाजा खोलियो। जहाँ दरवाजा खुले ते दरवाजे के बारों एक मस्तूर है जे मौत की पट्टी बद्दी हुई है। बीबी तेरे घर में मजलूमे करबला की फोड़ी बिछदी आई, हाय हुसैन करके रोंदी है। आदि जी बिछदी आई मगर मैं मजबूर हाँ, मेरी एक कनीज आई जी सफे अजाब छेंदी आई, लंगर नजरों न्याज का इंतजाम कर दी आई। चन चढ़न तो पहले वो इस दुनिया तो रुखसत हो गई है। मैं मजबूर हाँ, मैं वो कम कर न सकती जी। बीबी बाहरों आई हुई आई ना मुकानी आओ अमौला दे दादार। उस बीबी आख्या माई अगर वो तेरे सारे काम मैं चकरा बिस्मिल्ला करा। बड़े खलूस नाल करोंदे हो उथा ही रोको जरा, मैं मुसैब दे विच नागा लाया वे नियाज हुसैन। अल्लाह तुहाडी जिंदगी करे एहतराम है मुसैब दा। सारे अपनी अपनी इबादत दे विच मसरूफ हैं। मैं कुर्बान मंजाना ईद अब्बास जग साहब जिथे भी हैं खलोवो, ये पुरसा सारे खलो के झल रहे। तो सही दो मिनट पाक सईदा दे दुख सुन लो नियाज हुसैन। हबीबी ओ तेरे सारे काम मैं चकरा, ते वर्ता हुसैन दी फोड़ी विचे से हाँ बीबी वर्त मैं हुसैन हुसैन करे सा। बाबू जी ऐलान हो गया, लोग जाओ कर जाओ कामना शुरू हो गए। उस बीबी सोहनी सफे अदा बिछाई, लंगर नजर न्याज का इंतजाम किया। जेड़े ले मजलिस मुकदी आई ना, दरवाजे ते खलो के हाथ जोड़ के आख्या कल वक्त ते अव्या है। इंज यार मेरे घर में हुसैन की फोड़ी बिछनी है। पूरे नौ दिहाड़े सफे अदा बिछदी लई, लंगर नजरों न्याज का इंतजाम होंदा रहा। जेड़े लियो ये ना दामी मुहर्रम दी रात, जिसन शबे अशूर दी रात सदेंदे हो, मजलिस मुकी है। तो असा क्या माई ए नौ दिहाड़े मेरी नौकरी कबूल कर, कल मैं नहीं आवना। बिस्मिल करा बीबी, कल साडे घर विच मरकजी जलूस है, लोगों दूर दराज तो आवना है, तुम्हारा दिए कल मैं नहीं आवना। फरमाया मैं मजबूर हाँ, कल मैं बजना है करबला। है बीबी कित्थे कूफा कित्थे करबला। मेरी सैन आदियत है मैंने समझाता नहीं, गौर नाल वेख जेड़ी हर रोज बकिया छोड़ के आवेंदी है, ओ करबला नहीं जा सकती। ज़ईफ़ा कंबन लग पई, हाथ जोड़ के आदि तारफ करवा तू कौन है। मेरी सैना दिए गौर नाल सुजान, मैं हुसैन दी जख्मी पासे आली मां। मैं बिस्मिल्लाह करा, वो मेरा मौला तुहाडी इबादत कबूल फरमावे। मेरे पुत्र हुसैन नु मारन वास्ते इन्ना जालमा दूर दूर तो फौज मंगवाई। बाबा जी बानी मजलिस का हुक्म है, ये वाकया बड़ा दर्दनाक है। ये मेरे बुजुर्ग पढ़ते होंगे तो अद च छोड़ पेंदे हैं, मोमिनीन सुनते कोई ना है, अगर पढ़ने कोई ना देंदा। मजलूमे करबला मारन वास्ते इन्ना दूर दूर तो फौजा मंगवाइया, कोई 5000 की फौज का दस्ता ले आया, कोई 7000 की फौज का। ये शुरू तो सुनते रहे हो जिन्ना बेगैरता मेरे पीर की लाश से लुट पाई है। किसे मेरे मौला इमाम का कमरबंद खोलिया है, किसे मेरे मौला की नलैन उतारी है, किसे मेरे आका की कमीज लुटी है। एक हराम ज्यादा जिस तेरे मेरे आका की मुंदरी लहाई है। मैं बिस्मिल्लाह करा, अ मौला दे मातमी अजादार जितने बैठे हो सोच के दसो बजरगो मुंदरी लाई आई। जी बिस्मिल्लाह, इतना सलीम बिन बदल जमाल ये सुनवा दे। बिस्मिल्लाह करा, ए लई ना आप रवायत करदा जेड़े ले सारे लुट के टुर गए ना। अदा मैं रात नु गया, मैं जिवें जिवें लाशां दे करीब गया, मैनू बीबियां दे वैण सुनी दे। एक मस्तूर तो इंज लगता जिमें मेरे कोल खली हुई है, उच्चे आवाज ना ला दी जालमा, मैं तो चक्कियां पी पी के पले दी रही।
क्या मैं इसे वास्ते पालिया लेकिन जो बिल्कुल मैं लाश के करीब आया तो मुंदरी लांदा रहा जितने तुहाडे विच सैयद बैठे परदे अंदर सैयदादियां मैनू माफ़ी दे विया मैं छुपावा तो इमाम का मुजरिम बनना आदे मुंदरी लहांदा रहा जिहड़े मुंदरी नहीं ना लथी उन्हां लाशें दे विचों मैं एक टुटी हुई तलवार का टुकड़ा चला टुटी हुई तलवार का टुकड़ा टुटी हुई तलवार का टुकड़ा चाह के वक्रियां तरह एंगल नप के उस वक्री एंगल ते तलवार मारा ते हेठों ही रेत एंगल रेत डस वेंदी है वत कटना वत मारा बाबा जी जेड़े लफ्ज़ दी मैं सादात तो माफ़ी मंगी है अदे मेरा वस नहीं लगा उन्हां लाशां दे विच्चों मैं एक पत्थर की पड़ी चाहिए हेठ पत्थर की पड़ी उत्ते तलवार नाल जुलम करता रहा है त्रीए वार नाल मेरे आका दी अंगली कपी गई तो मुंदरी भी ले गई मैं बिस्मिल्लाह करा मैं बिस्मिल्लाह करा मेरा मौला तुहाडे आंसू कबूल फरमावे ए ओ हराम जादा जिस मेरे आका दी अंगल कपी दुआ जजर बिन कैस ए ओ लानती है जिस तेरे मेरे आका दी कमीज लुटी मैं हूँ ज्यादा लंबड़ न करा बाजी हूँ मैंने सोच के दसो जिन्हों का तारीख नाल वास्ता है जिस कमीज ते 1950 तीर लग जाए उस कमीज दे मगर के रहा है बाजी ये लाइन कमीज लुट के जेड़े जंग मुकी है अपने घर दे विच दाखिल होया है इसकी बीबी मोमना मालक इस्तर दे खानदान दे विच इस आ के सलाम किया है हेठमू करके आदि वे मैं तेरे सलाम का जिन्ना घर ते रोमना है जिन्ना घर मुसलियां ते बह के रोमना है आदि वे मैं तेरे सलाम का जवाब तो देनी हाँ राती साढ़े घर दो बीबियां आ जाए आदि वो बीबियां कौन आनी आदि एक कहानी बिन उरवा दी धी दुई मालक इस्तर दी पोतरी उन्हें मैंने आख्या नहीं सुनती पई है कूफे दे विच लोग खुशियां पे मनाते हैं मैं आख्या सुनती तो मैं पई है जो करबला दे विच कोई बागी मारिया गया है उन्हें मेरे मुँह दे अगों हाथ रखिया है उन्हें आख्या बागी ना ओ रसूल दी धी दा पुत्र मैं बिस्मिल्लाह करा शर्म करके नहीं रोना जिंदगी का पता कोई ना मैं तू दसावे जालमे गल सची है ए मिलाउना दे हाँ गल तो बिल्कुल सची है आदि वे अल्लाह तेन बर्बाद चकरे तू ही मारिया रसूल का निवासा आदि नहीं मैं तो नहीं मारिया मैं शामिल तो मैं हाँ लानत जहन्नम तो मैं ले आया आदि जे रसूल का निवासा न मारिया अगो उसका कोई पुत्र मारिया ही आदि नहीं बीबी पुत्र उसके करबला विच दो मारे गए एक पुत्र उसका बहुत सोहना जवान जेड़े जवान बैठे हो ना तो अली अकबर की जवानी का वास्ता एक बारी हाए जरूर करे एडा सोहना जवान है जेड़े पहले हमले ते आया है ओदे चेहरे ते निकाब आई जेड़े दूए हमले ते आया है चेहरे ते निकाब कोई ना साड़ी फौज का हर सिपाही इशारे नाल आदे साडे नाल मुहम्मद पे लड़दा बीवी जेड़ा उसका दुआ पुत्र मारिया गया ना वो मासूम बाल आई मेरिया मावा मेरिया भेणा मेरिया धियां जितनी देर में इस मासूम दे दो चार लफ्ज पढ़ा जे कई माँ की झोली में 6 महीनों का या साल का पुत्र है 2 मिनट वास्ते कोई माँ पुत्र नु दुध ना पिवाया कोई माँ पुत्र नु लोरी ना दिव्या है मत कोई माँ चाह के खिलावे या लोरी देवे ओदे पासे नाल अली असगर दी माँ रुबाब आई बैठी होवे तेरा मोढ़ा हिला के आके रज रज खिडा मैं तो रज के चाया भी कोई ना बिस्मिल्लाह तो मेरा मौला तुहाडे आंसू कबूल फरमावे ज़ालिमा ना तू हुसैन नु मारिया है ना उसका कोई पुत्र मारिया ये लानत जहन्नम की में लाया आया है समुंदर मुसाइब दा जिस विच हुण मैं दाखिल पिया होना ये आदे ना पुछिया तो चंगी गल है मैनू पता है जो तू हुसैन दियाँ भेणा कोल कुरान पढ़ती रही आदि ज़ालिमा मैनू दसा मैं रोसा आदे मैं तेन किवें समझावा जिहड़े उजड़े होया काफला है ना मुकामे नसीबैन ते तो सानू 17 जरनैलों नू उमर साद ने कोल च बहाया है कोल बहा के दे यार मैनू 3 रात है मैनू अनिंद्रा खा गया है उसके तो नींद क्यों नहीं आती
अदे इस काफले दे विच एक मासूम बच्ची है, वह वैन तो अपनिया फुफिया की झोली विच कर दिए, जेड़ा उस मासूम चुप करावे मैं वखरे इनाम दे सा। इतों ही चार वैन है, अल्लाह करे जो सारे की इबादत हो वे। अद बीवी उसले सारे चुप रहे, मैं बदबख्त उठिया आदि वे जालमा दुए जो चुप रहे, तू भी चुप रहे, मैनू दस मासूम बच्ची नु किवें चुप करायो। अद बीवी राती आराम कर दिया, सवेर आउंदी आई उजड़िया होया काफला टुरदा रहा। बीवी उस काफले दे विच एक मस्तूर आई जिंदा नाम ज़ैनब, वड्या हौसलियां दी मालिक मस्तूर आई, वड्डी बहादुर मस्तूर आई। सारिया बीबिया मामला ते सवार होंदियां ऐ, ओ अखीर ते चढ़दी आई। उस दरवे क्या दिए वे जालमा किवें चढ़दी आई, आदे बीवी भद्रिया कंड नवैंदा ओदी कंड ते पैर रखदी आई, ते जालमा हाथ क्यों लै पैंदी, आदे हाथ ओदे बद्धे होया है। जी मेरा मौला तुहाडी इबादत कबूल फरमावे। मैं जी बिस्मिल्लाह करा, आदे मैं राती सलाह बनाई है, मैं आख्या सवेर जो सी ते मासूम बच्ची नू वखरे उठते सवार कर सा, आपे जान के मरवे सी, जिन्ना घर तई रोवना है गलियां बाजार च रोवना है। आदे इदो सवेर हो गई, कैदी मामूल दे मुताबिक बहन नू चा लिया, कदी ओ बहिंदा वड्डी फूफी दी झोली विच, कदी बहिंदा रिया है छोटी दी झोली विच, आज वड्डी देर लै गया है। ते मैं आख्या इत कोई नहीं उबाणा, फिर छोटी देर लै गया है, मैं आख्या इत भी कोई नहीं उबाणा। मैनू क्या दे जालमा इकली कदी नहीं चढ़ी, मैं आख्या आज चढ़ सी ओ जालमा कदी नहीं उछड़ी। मैनू माफ करिया लई ना दे बीवी, उसले मैं कैदी दी कंड च कोड़ा मारिया, इनू कोड़ा लगा है ते बहन भीरा दी दाड़ी चुम लई है। आदि वे वीर सजाद कोड़े ना जाल, जिदे चढ़ाई देन मैं चढ़नी आ, जिदे बहन देन मैं बह। जी हौसला, इबादत कबूल फरमा। या मेरा मौला, अगले दो बैंड सुन लो नियाज हुसैन। आले बीवी मैं लिया रोठकू कीता, मैं आख्या कही दी ये सोठ दे बहन नू बहा, कही दी बड़ी तसली नाल बहन नू उठ ते बहाया। बहन दिया निकिया निकिया बाई उठ दी कुहान च दिदिया, जड़ी जाता ही उठती पेशानी चमकिया, दे जाग दी रावी आज फुफियां दी झोली कोई नहीं, आज बाबे मजलूम दा सीना कोई नहीं। आज बीवी अगला मंजर मैं न वेखा, शाल मैनू मौत आवेंदी। कहदी बहन नू बहा के ते उठ दे कर नाल जमू लाया, मूह ला गया दे अल्लाह दा हलाल जानवर, तेरी कंड ते अली दी पोतरी, तेरी कंड ते जहरा दी पोतरी, बड़े आराम नाल पहाड़ चढ़ी, बड़े आराम नाल लावी मता तेजी लाल चढ़े, ते जहरा दी पोतरी दे हाथ छुट। जी मेरा मौला तुहाडी इबादत कबूल फरमावे। आले बीवी उठ बड़े आराम नाल चढ़दा रहा, बड़े आराम नाल लांदा रहा, जिन्ना उठा ते बीबियां सवार हैं उन्ना तजारी पीछे रह गया। सिमर में ताना दे क्या दे, ओ बेगैर था तेरा उठ पिछो क्यों नहीं आए। आदे जिथों मैं लानत जहन्नम ले आया, जितने सैयद बैठे हो सैयदादियां मैनू माफ करिया। आदे मैं गुस्से नाल उठ दे पिछू आया, पहले था वो बच्ची उठ दी कुआन ते मत्था रख के सुती आई है।
बेदन में पिछू आया मासूमा डर गई डरी हुई एक बारी सजियो वे क्या है वज खबियू बाबे दी सांदर वे क्या दियो मेरा तस्सा मरी मनाला बाबा बड़े हौसले नाल और मेरा मौला तुम्हारी इबादत कबूल फरमावे जी मैं बिस्मिल्लाह करा मेरा तस्सा मरी मनाला बाबा कहे आखरी टाइम पानी पिवाया या कोई ना बाबा मंगदा जुनिया दुआ वेण कर क्या दिए बाबा जे ओ दुर मंगिया ते मैं देवा चा मेरिया मावा भेणा दिया सारा साल कलना वेच जेवर पाओ कोई कुरान मना नहीं करदा अल्लाह वास्ते जड़े ले करो मजलिस दी लियत आओ मेरी कोई मां भेण कलना वेच जेवर ना पव्या है मदा कोई जेवर पा गया वे ओदे पास नाल मेरी सैन सकीना होवे नाल ओदी अम्मा रुबाब होवे मोड़ा ही ला गया कि अम्मा हर कहंदे कान कज्जियो है न अम्मा मेरा केड़ा जुरम आई जालिम तमाचे मरें या मेरा मौला इन्हां दी कूका कबूल फरमा चुप कर बागी दीदी माफी दे आया मौला दे मातमिया जज्बात च कंट्रोल करिया ए लैला दे बीवी मेरे हाथ विच कोड़ा ओ कोड़ा मैं उठ दे पट तू मारिया ओ थोड़ा जिया लंबा उठ दे पट तू मासूमा ने फिरनी त लग गया मासूमा ने हाथ छोट गए नजब दर मुंह कर गया दिए वे दादाली वे नजब दावाली वे मैं सारे रामरी मासूम बच्चिया के वास्ता ही हुसैन दी चार साल दी दीदा छोट गए आदिये वे दादाली वे नजफ दा वाली मैं कली मरी गई